माननीय भूपेश बघेल जी को आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय शरणदास महंत जी, माननीय श्री मोहन नरसाम जी, माननीय श्री प्रेम साह जी, माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी, माननीय श्री उमेश पटेल जी, माननीय श्री अमरजीत भगत जी, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय श्री धनेन्द्र साहू जी। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा जी को, माननीय श्री दीपक बैस जी, माननीय श्री मनोज मंडावी जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव माननीय श्री आर पी मंडल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक माननीय श्री राकेश चतुर्वेदी जी, पुलिस महानिदेशक माननीय श्री डीएम अवस्थी जी, प्रमुख सचिव माननीय श्री सुब्रत साहू जी, प्रमुख सचिव माननीय श्रीमती रेणु पिल्लई जी। तो पिछले तीन दिनों से चल रहे इस भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का आज ये समापन का अवसर है। पिछले तीन दिनों तक विभिन्न विधाओं में खेल, कला और साथ ही साथ युवाओं की प्रतिभाओं का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। अलग अलग कैटेगरीज बनाए गए थे और जिन बात चाहे की जाए म्यूजिक की या फिर खेल की, सभी विधाओं में हमारे युवा प्रतिभागियों ने अपना सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी है। और आज इसका मौका है कि हम सम्मानित करेंगे उनमें से जिन्होंने विशिष्ट प्रदर्शन किया था। आप सबको बता दें कि आप सभी का प्यार, आप सभी का उत्साह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप सभी के बीच खींच लाया है। दो दिनों से अस्वस्थता के चलते सारे प्रोग्राम उन्होंने स्थगित किए हुए थे, लेकिन आप लोगों का उत्साह और छत्तीसगढ़ के दूर दूर अंचलों से आए हुए आप लोगों के उत्साह वर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ स्वयं उपस्थित है। आप सभी की हौसला अफजाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब राष्ट्रगान होगा, आप सभी से निवेदन, राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी जगह खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान सुमन, वसुंधरा और अभिनंदन। Thank you.
बहुत शुक्रिया। और अब निवेदन के अपने स्थान पर आ बैठ जाए। और अब माननीय मुख्य अतिथि, माननीय अध्यक्ष महोदय और मंचस्थ अति विशिष्ट अतिथिगणों के स्वागत से हम आकांक्षी हैं। और इसी कड़ी में खेल और युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री उमेश पटेल जी से निवेदन करते हैं कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करें। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत। मुख्य सचिव श्री आर पी मंडल जी से निवेदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए, माननीय श्री भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए मुख्य सचिव श्री आर पी मंडल, पुलिस महानिदेशक श्री डी एम अवस्थी जी स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि महोदय का, प्रधान मुख्य वन संरक्षण श्री राकेश चतुर्वेदी जी स्वागत कर रहे हैं, सुब्रत साहू जी स्वागत कर रहे हैं, श्रीमती रेणु मिल्लन जी स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय श्री उमेश पटेल जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन है कि मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का वो स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ के साथ। माननीय श्री रविंद्र चौबे जी का स्वागत, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री मनोज मंडावी जी का स्वागत कर रहे हैं खेल मंत्री, माननीय विधायक श्री धनेन्द्र साहू जी का स्वागत, माननीय विधायक दर्शिका श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा जी, माननीय श्री राकेश चतुर्वेदी जी, माननीय श्री आरती मंडल जी, माननीय श्री डी एम अवस्थी जी, माननीय श्री सुब्रत साहू जी, माननीय श्रीमती रेणु पिल्लई जी, माननीय श्री प्रेमसाय चंद्रकांत जी का स्वागत खेल मंत्री कर रहे हैं, माननीय श्री अमरजीत भगत जी का स्वागत संस्कृति मंत्री का स्वागत खेल मंत्री, माननीय श्री उमेश पटेल जी, मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, श्री सोनी जी का स्वागत खेल मंत्री द्वारा। और अब हम निवेदन करते हैं माननीय श्री उमेश पटेल जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से खेल एवं युवा कल्याण विभाग के, आप स्वागत उद्बोधन दें हमारे सभी अतिथियों के लिए और आज के जो जनता यहां पर आई हुई है सभी के। राज्य युवा महोत्सव के समापन के मेला में इस गरिमामय मंच में उपस्थित हमारे यशस्वी बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री चरणदास महंत जी, मंत्रिपरिषद के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, मंचासीन अतिथि, मीडिया जगत के सभी सम्मानित साथियों, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और छत्तीसगढ़ से आए मेरे नौजवान साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने गर्वो नया छत्तीसगढ़ की कल्पना एवं इस कल्पना को साकार करने के लिए निरंतर कदम उठाते जा रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री चरणदास महंत जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके मार्गदर्शन के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। आज मकर संक्रांति है और इस पर प्रकाश और ऊर्जा का एक प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर मैं राज्य की युवाओं को यहां के उपस्थित कलाकारों के माध्यम से और अधिक ऊर्जावान और अधिक प्रगति तथा जीवन के सफलता की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज 14 जनवरी है, आज युवा दिन है जिसमें प्रियदर्शनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारे देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री थी,
उन्होंने पूरे देश में युवाओं के लिए रोजगार सृजन, गरीबों के लिए सहायता, गांव में विद्युतीकरण, सड़क निर्माण आदि के 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आइए आज के दिन हम सब शपथ लें कि हम नए छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। मैं युवा कलाकारों से आह्वान करता हूं कि आप मांडर की कोई ऐसी छाप निकालिए जो छत्तीसगढ़ में हर्ष और उल्लास का वातावरण बनाए। युवा चित्रकारों को ऐसे रंग उकेरे जो छत्तीसगढ़ के बहुरंगी छटा के राज्य बना दे। कलाकार कोई ऐसी रचना लिखे जिसे पढ़कर ऊर्जा का संचार हो। राज्य के लहलाते धान हो, खुशहाल हो, किसान हो, हर नौजवान का सम्मान हो और राज्य का मान हो। हमारे राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी गर्वो नवा छत्तीसगढ़ के लिए कृत संकल्पित हैं। आइए हम अपना सब इसमें योगदान दें और इस पवित्र कार्य में अपना सहभागी बने। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही विविधता वाला राज्य है। यहाँ हर एक जिले में बोली भाषा पहनावा में थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखता है, लेकिन इस अनेकता में हर एक छत्तीसगढ़िया की एकता हमारी विशेषता है। युवा महोत्सव के सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजित हुआ, इसमें बहुत से जाति धर्म क्षेत्र और कलाकारों ने भाग लिया, लेकिन सांस्कृतिक विधा ऐसी थी कि घुंघरू किसी के भी पैर में बांधे ये घुंघरू जाति धर्म क्षेत्र के भेदभाव किए बिना एक ही आवाज में बजता है। आप यह युवा महोत्सव में पूरे प्रदेश के युवा कलाकारों को जोड़ने का, पहचान बनाने का और ग्रामीण अंचलों के युवाओं को एक बड़ा मंच प्रदान करने में सफल रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का और साथ ही साथ मुख्य सचिव, पुलिस अधीक्षक, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ को और मजबूत करें और गर्वो नवा छत्तीसगढ़ को साकार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री उमेश पटेल जी। आप जैसा ऊर्जावान और युवा मंत्री के विभाग और युवा कल्याण को पाकर हमारा युवा वर्ग उत्साहित भी है और गौरवान्वित भी है। और इसी के साथ एक युवाओं पर आधारित छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई फिल्म का प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं, जो राज्य युवा उत्सव के मद्देनजर तैयार की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सीधा। जय तारा।
तीन दिनों तक चले इस महा आयोजन की ये झलकियां आपने देखी इस फिल्म के माध्यम से, और जो हमारे प्रदेश के पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम अपने गांव में मोहल्लों में खेला करते थे, चाहे बात फुगड़ी की हो, गेड़ी की हो, खो हो, कबड्डी हो, ये सभी की प्रस्तुतियां यहां पर हुई। और जशपुर से लेकर सुकमा तक तमाम जिलों से आए हुए हमारे युवा प्रतिभागी इसमें शामिल हुए और एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। न सिर्फ खेल बल्कि अगर संस्कृति की बात करें तो एक से एक रंग बिरंगे हमारे जो कला और संस्कृति को प्रस्तुत करने वाले नृत्य की शैलियां हैं उनकी भी यहां पर प्रस्तुतियां हुई हैं। और बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसा मंच जो हमारे प्रदेश के इन युवाओं की कला को निखारने के लिए, उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए राज्य स्तरीय इतना विशाल मंच इसे सोचा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कल्पना के आधार पर इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा तय की गई और ये रूपरेखा इस तरीके से साकार हुई है और सफल हुई है। इसके पश्चात अब हम निवेदन करेंगे, माननीय वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी हमारे साथ हैं, कि वो आए और हमें उद्बोधन दें। बहुत सम्माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान मन के प्रेरणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महान जी, बहुत ही नौजवान ऊर्जावान और कामयाब ये प्रोग्राम करने वाला युवा मामला के मंत्री उमेश पटेल जी, अकबर भाई, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी, सम्मानीय मनोज मंडावी जी, आदरणीय धनेन्द्र भैया, सम्मानीय शिवपाल सोरी जी, आदरणीय महापौर एजाज जी, सम्मानीय विधायक अनीता जी, आदरणीय मुख्य सचिव जी, आदरणीय चतुर्वेदी जी, सम्मानीय अवस्थी जी, आदरणीय सभो अधिकारी मन, संगवारी मन, नौजवान साथी मन और पूरा छत्तीसगढ़ से आए कलाकार और भाग लेवैया साथी पत्रकार मित्र मन, छत्तीसगढ़ बने 20 साल हो थे लेकिन पहली बार 1000 किलोमीटर से भी लंबा हमारा छत्तीसगढ़ जशपुर से लेकर बीजापुर तक के नौजवान कलाकार युवा आज राजधानी में तीन दिन अपन कला के जौहर दिखाई, अपन प्रस्तुति दिन पहली बार लगी कि 20 साल बाद छत्तीसगढ़ हमारा अपन राज बने हैं। मैं आदरणीय युवा मंत्री उमेश जी ने बहुत बधाई देना चाहा था और उतरों से भी ज्यादा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला खूब बधाई देना चाहा था कि बड़े कार्यक्रम के आयोजन करके छत्तीसगढ़ के नौजवान मल्ला ये साइंस कॉलेज के मैदान में आमंत्रित करी स्पोर्ट्स के माध्यम से, खेल के माध्यम से सब भुला गई ने कि कबड्डी का होते, फुगड़ी का होते, गेड़ी का होते, भौरा कैसे चलाए जाते, लेकिन आज राजधानी में ऐसे लगी कि हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब छत्तीसगढ़ी खेल कला सब विधा में नौजवान मल्ल यहाँ आमंत्रित करी तो आज भी ऐसे लगी हमारे छत्तीसगढ़ में गांव के जो संस्कृति है, जो खेल है, जो परिधान है, जो कला है, जो नृत्य है, वो आज भी जीवित है और साइंस कॉलेज के मैदान में हमारे देखे के मौका मिले। आदरणीय साथियों, आज पूरा देश में नया चुनौती है, युवा आसाम में सड़क में है,
दिल्ली के राजधानी में इंडिया गेट के सामने को लोग धरना दे रहे थे, को लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जब देश के नौजवान आंदोलन रहे थे और हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान ये छत्तीसगढ़ का जिला शांति के टापू कहे जाते आज राजधानी में एकत्रित होकर के हमारे कलारा बिखेरा थे, सारा देश के सामने एक मसाल प्रस्तुत कर रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ जिमा वो ताकत है, वो भाईचारा है, वो प्रेम है कि पूरा देश का रास्ता बताए के काम यहाँ के नौजवान कर सकते और आज करा थे। आदरणीय साथियों, ये तीन दिन के आयोजन में हमने इसे लगी हर प्रकार के कलाकार फेस्टिवल के माध्यम से देश विदेश के कलाकार यहाँ मौजूद रही ने, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के कलाकार और नौजवान मन के समागम करके एक बड़े संदेश दिए कि कोशिश आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नौजवान मंत्री भाई उमेश पटेल जी करे, हृदय से मैं बधाई देना चाहता हूँ और आप सबसे भी अपील करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी तीन दिन पहले उद्घाटन सत्र में नारा दे रही थे, लड़बो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। नौजवान मन से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये नारा ला लेकर के ये मसाल ला लेकर के गांव में जाना है, दूरस्थ अंचल में जाना है और लोगों को बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो मूल छत्तीसगढ़ के विकास करने की खातिर कृत संकल्पित है और ये नौजवान जब ये बात ला लेकर के जाई, मसाल ला लेकर के जाई तो आने वाला समय में जिस प्रकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है उसी प्रकार के छत्तीसगढ़ के निर्माण में आप सब भागीदार बनो, यही बात लगात हुए आप सब बहुत बधाई बहुत शुभकामना। और फिर से आदरणीय उमेश जी ला बहुत बधाई और बहुत शुभकामना, विभाग के समूह अधिकारी मन में भी बहुत बधाई और बहुत शुभकामना और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार करत हुए ये आयोजन हर साल हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में और नौजवान मन के मेला ये मेला स्थल में हर साल लगे कई प्रकार के आयोजन दिखाए और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पूरा देश में बिखेरे। मैं तो पत्रकार और लेखक मित्र मन में भी आह्वान करना चाहता हूँ, बड़े बड़े लेख लिखना चाहिए, देश के नौजवान के दिशा अगर दूसर तरफ है तो छत्तीसगढ़ के नौजवान जिस दिशा में जाते वो दिशा में आगे बढ़े के संकल्प लेके लेख आए ताकि देश के सामने एक रास्ता बन सके। आप सब आभार करत हुए अपन बात समाप्त करत हो, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और आप जिन सपना देखा था हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन संघ वो बिल्कुल उखर अंगारक का जोश है, जुनून है कि वो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जिन इसमें मदद मिला थे और ये तरीका के जिन प्लेटफॉर्म हुए हैं बिल्कुल सदुपयोग भलो कर ही और यहाँ ले अपन प्रतिभा ला आगू बढ़ात हुए राष्ट्रीय स्तर में जाके अपन प्रदर्शन करी और हमारे प्रदेश के नाम ला आगे बढ़ाई। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं आप सभी को संबोधित करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को। माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कोना कोना ले आए सब नौजवान साथी मन के स्वागत है, अभिनंदन है। आने वाला वर्ष पर अपन छत्तीसगढ़ के अपन घर के अपन माता पिता के नाम रोशन करें, एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये हमारा सौभाग्य है कि विवेकानंद जी के जन्म तिथि के दिन से नौजवान मल्ला विवेकानंद जी के आदर्श में चले बस
ओकर संदेश ला अपन मन में उतार